आज का विषय है अस्थमा क्या होता है, इसके कारण और इससे बचाव के उपाय। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा यानी दमा एक फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके वायु मार्ग सूज जाते हैं और आपको सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा आपको खांसी, घबराहट और सांस की तकलीफ भी होने लगती है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। अस्थमा एक ऐसा रोग है जो अक्सर समय के साथ बदलता रहता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं, यह एक फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई आती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके वायु मार्ग सूज जाते हैं और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। इसके अलावा यह खांसी, घबराहट जैसी समस्या को भी पैदा करता है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं दें तो यह एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि अस्थमा का रोग ऐसा है जो समय के साथ बदलता रहता है। अस्थमा दो प्रकार का होता है, एक है आंतरिक और दूसरा है बाहरी अस्थमा। आंतरिक अस्थमा, जब कुछ रासायनिक तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जैसे कि सिगरेट का धुआं, तो इन कारणों से होता है आंतरिक अस्थमा। इसके विपरीत जब धूल और जानवर जैसे कारणों के कारण जो अस्थमा हमें हो जाता है उसे कहते हैं बाहरी अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी दीर्घकालिक समस्या है जो आपके फेफड़ों को कमज़ोर बना देती है और आपको सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। इस बीमारी से आपके वायु मार्ग इतने सक्रिय हो जाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पाते। यह गंभीर घबराहट और गले की घरघराहट और सांस फूलने का कारण बनती है, जिसे अस्थमा के हमलों के रूप में जाना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के कुछ उपाय बताते हैं जिनकी मदद से अस्थमा के रोग को थोड़ा कम किया जा सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपको अस्थमा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए और अपने फेफड़ों का परीक्षण करवाना चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि अस्थमा का कारण क्या है। अस्थमा परिवारों में चलता है और विरासत में मिला हो सकता है, और कुछ पर्यावरणीय कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया है कि अस्थमा का कारण जो है वो हमें परिवारों से मिला है, यानी कि जो परिवारों की समस्या रहती है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है और यह समस्या हमें होने लगती है। अस्थमा के कारण क्या हैं, इसके लिए कुछ ऐसे कारक हैं जो कि अस्थमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो कुछ कारक हैं, जेनेटिक्स। अस्थमा परिवारों में चलता है क्योंकि अस्थमा पैदा करने के लिए जेनेटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपके माँ या फिर पिताजी को अस्थमा है तो आपको अस्थमा होने की संभावना अधिक होगी। दूसरा है एलर्जी। कुछ लोगों को एलर्जी के माध्यम से भी अस्थमा होता है, खासकर यदि उनके परिवार में किसी को एलर्जी है तो यह एलर्जी फैलती है और अस्थमा का कारण बनती है। फिर है श्वास प्रणाली में संक्रमण। जैसे कि हम जानते हैं कि फेफड़े बचपन में ही विकसित हो जाते हैं, परंतु यदि आपके फेफड़े बचपन में ही कुछ क्षति से ग्रसित हो गए हों तो यह प्रभाव इसका लंबे समय तक चल सकता है। इसका एक और कारण हो सकता है वातावरण, क्योंकि अस्थमा जो है वो मुख्यतः एलर्जी से फैलता है। जैसे कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो धूल या फिर रसायनों के प्रभाव के कारण यह बीमारी हमें हो सकती है। अस्थमा के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण होते हैं पुरानी नियमित खांसी, सांसों की कमी, गले में घरघराहट, छाती में जकड़न की भावना, घबराहट के कारण नींद नहीं आना, सांस छोड़ते समय सीटी बजना, घरघराहट की आवाज़ आना और खांसी के साथ कफ ना निकलना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि आपको अस्थमा की बीमारी है। तो आइए जानते हैं अस्थमा के कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय। पहला उपाय है, यदि आप पीसे हुए अदरक और काली मिर्च को बराबर मात्रा में मिला लें और इसे किसी एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें। अब इस चूर्ण को एक चम्मच शहद के साथ दिन में दो बार गुनगुने पानी के साथ लें तो यह अस्थमा के इलाज में लाभदायक होगा। दूसरा उपाय है, 11 अमरूद के पत्ते, 11 काली मिर्च, 1 कप दूध और 1 कप पानी लें। सभी चीज़ों को एक पतीले में डालें और फिर इसे अच्छी तरह उबालें। इसे इतना उबाल लें कि यह आधा ना रह जाए और फिर इसे खाली पेट पिएं। इसे रोजाना 6 महीने पीने से आपको अस्थमा की बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अगला उपाय है जीरे का पानी।
इसके लिए आप जीरे को पानी में उबाल लें और इसकी भाप को अपनी सांस में लें। इससे यह आपके ब्रोनिकियल मार्ग को पतला करने में मदद करेगा और सांस की तकलीफ को दूर करने में सहायता करेगा। चौथा उपाय, 5 ग्राम अदरक, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, हल्दी और 30 ग्राम चीनी लें और एक मिक्सी की सहायता से इसे पीस कर पाउडर बना लें। अब दिन में 2 बार इस मिश्रण को शहद के साथ मिलाकर अच्छी तरह खाएं तो यह अस्थमा के इलाज में लाभकारी रहेगा। अगला उपाय है, शहद इसे पानी में मिलाकर पिएं। यह हमेशा आपके अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद करता है। संभवतः अस्थमा और सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस संबंधी समस्याओं के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक है। इससे गला भी साफ होता है और आप बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं। छठा उपाय, यदि आप सरसों के बीजों का तेल गर्म करके अपने सीने पर लगाते हैं तो यह आपके फेफड़ों को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है और फेफड़ों तक जाने वाले मार्गों को खोलने में भी सहायता करता है। इसका इस्तेमाल करने से आपको राहत ज़रूर महसूस होगी। फिर है, अपने दैनिक आहार में प्याज को शामिल करने से आपको अस्थमा से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। लाल प्याज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि अस्थमा के इलाज में सबसे कारगर सिद्ध होते हैं। परंतु फिर भी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपको अस्थमा है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सही दवाएं कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी उम्र, लक्षण, अस्थमा ट्रिगर आदि। तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीर्घकालिक नियंत्रण दवाएं आपके वायुमार्ग में सूजन को कम करती हैं और इससे आपको सांस लेने में मदद मिलती है। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको डॉक्टर की मदद से ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। कुछ ऐसी ही सेहत से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।